जनता को इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सभी आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे उसमें किराने का सामान हो, फल सब्जियां हो, दवाइयां हो, पेट्रोल डीजल हो, इसके अलावा बैंकिंग सुविधाएं भी, जो लॉकडाउन के जो निर्देश हैं उसमें बैंक और एटीएम भी एक लिमिटेड पीरियड में चालू रहेंगे। जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं, रसोई गैस की सुविधाएं सभी उपलब्ध रहेंगी और इनकी सप्लाई सुनिश्चित रहे। इसके लिए जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन, वो पूरी तरीके से परमिट किया गया है, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर से आएगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से आएगा, इस और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी जब वो मूव करेगा या विद इन सिटी मूव करेगा, पूरा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया जाएगा। तो उसके कारण सप्लाईज पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो लोगों को ओवर स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ओवर स्टॉकिंग ना करें उसमें, कि हम लोग 10, 15, 20 दिन का या 1, 2 महीने का स्टॉक करके रख लें। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचें। ये आपके स्वयं के लिए ऐसा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सप्लाईज नियमित रूप से, जैसा आपको नॉर्मल टाइम्स में जैसा मिलता था, उसी प्रकार से स्टॉक लगातार आपको उपलब्ध मिलेगा और किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अगर कहीं पे जमाखोरी करके वस्तुओं के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ाए गए किन्हीं दुकानदारों द्वारा ऐसे, तो उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति जमाखोरी की और अनावश्यक कीमतें बढ़ाने की ना रहे, क्योंकि उनके विरुद्ध फिर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो बेघर बार हैं या बाहर से हैं, उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी हम लोग नगर निगम के माध्यम से और कुछ समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से फूड पैकेट्स दिलवाने की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग मध्याह्न भोजन किचन शेड्स के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएंगे। अगर कोई बेघरवार या बेसहारा या बुजुर्ग इस प्रकार का है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो सभी प्रकार से इंश्योर किया जाएगा कि जो आवश्यक वस्तुएँ हैं और सेवाएँ हैं ये मिलती रहें। इसलिए इसके लिए पैनिक